दोस्तों, अगर आपका भी इंस्टाग्राम आईडी चलते चलते लॉग आउट हो गया है और जैसे ही आपने जो है उसको लॉग इन किया तो यहाँ आपको कुछ इस तरह का एरर दिखाई दे रहा है जिसमें लिखा हुआ आ रहा है थैंक्स फॉर प्रोवाइड योर इन्फॉर्मेशन। तो अब यहाँ पर जो है आपसे ये कह रहा है कि अपनी इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड करो, तो उसके लिए हम यहाँ पर जैसे डन पर क्लिक करते हैं तो हमारी जो आईडी है वो यहाँ पर लॉग आउट करने के लिए बोल रहा है। तो अब यहाँ ऐसे में हम क्या करेंगे, ये एरर यहीं के यहीं फिक्स भी नहीं हो रहा है, तो ऐसे में अब हमें अपने अकाउंट को रिकवर करने के लिए वापस से जो है इसको लॉगिन करने के लिए करना क्या होगा, इस वीडियो के अंदर मैं आपको जो तरीका बताऊंगा उसको आपको फॉलो करना है। उसके बाद में जो है आपका अकाउंट जो है 100% यहाँ पर ये वापस से लॉगिन हो जाएगा। तो उसके लिए करना क्या होगा, ये जो आप मेरी वीडियो देख रहे हो इसी के डिस्क्रिप्शन में जाना है। वहां पर जाने के बाद में मैंने एक लिंक दिया है आपको, उस लिंक पर क्लिक करने के बाद में आप इस वाले पेज पर आ जाएंगे। जैसे कि आप यहां पर देख सकते हो, जब आप मेरी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओगे वहां पर आपको एक लिंक दे दिया गया है वेबसाइट का, इसी वेबसाइट का। जैसे आप उस पर क्लिक करोगे तो क्रोम ब्राउजर के अंदर उसको ओपन कर लेना है। उसके बाद में जब आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा तो अब यहां पर जो है आप एक फॉर्म जो है सबमिट करोगे, अपील करोगे इंस्टाग्राम टीम के पास में, जिसमें जो है आपको यहां पर करना क्या होगा, जैसे कि यहां फुल नेम आपको लिखना है, नेम वही लिखना है जो कि आपके आधार कार्ड के अंदर हो, और योर ईमेल आईडी, तो आपके पास में कोई भी ईमेल आईडी होगी वो इसमें दे देना। ये ज़रूरी नहीं है कि आपके जो इंस्टाग्राम के अंदर ईमेल आईडी रजिस्टर्ड है वही आपको देनी है, वो भी दे सकते हो, कोई और सी भी दे सकते हो, जो आपका मन करे वो यहाँ पर दे सकते हो, लेकिन ईमेल आईडी ऐसी देनी है जो कि चालू हो, आपके फ़ोन के अंदर लॉगिन हो, क्योंकि उसी पर कॉन्टैक्ट करेगा इंस्टाग्राम आपसे। तो यहाँ पर ईमेल आईडी दे देनी है। उसके बाद में योर इंस्टाग्राम यूज़र नेम, तो आपका जो इंस्टाग्राम का यूज़र नेम है वो आपको थर्ड वाले बॉक्स में एंटर कर देना है। उसके बाद में आपसे मांगा जा रहा है यहाँ पर फोर्थ नंबर पर योर मोबाइल नंबर, तो आपका जो मोबाइल नंबर चालू होगा वो यहाँ पर आपको दे देना है। जैसे कि अगर आपके पास में आपने जो अपना अकाउंट बनाया था उसके अंदर जो आपने मोबाइल नंबर डाला था, अगर आपके पास में वही है तो वही देना, अगर वो नहीं है तो दूसरा भी दे सकते हो। उसके बाद में जो आपको प्रॉब्लम आ रही है थैंक्स फॉर प्रोवाइड योर इन्फॉर्मेशन वाली, तो उसी के हिसाब से आप यहां पर जो है लिख सकते हो कि मेरा अकाउंट जो है यहाँ पर डीएक्टिवेट जो है कर दिया गया है, तो अब वापस से जो है इसको हमें लॉग इन करना है और हमने कुछ भी नहीं किया। यहाँ पर जो है आप अपनी जो है पूरी की पूरी एक अपील जो है लिख सकते हो और उसके बाद में नीचे में दिए गए सेंड पर क्लिक कर सकते हो। सेंड पर क्लिक करने के बाद में आपका फॉर्म यहां से सबमिट हो जाएगा। उसके बाद में आप 24 से 48 घंटे का वेट करेंगे, इंस्टाग्राम का रिप्ले आएगा। रिप्ले में जो है आपको जो है यहां पर लिखा होगा ईमेल के अंदर कि हमने आपके अकाउंट को चालू कर दिया है, या फिर ये लिखा होगा कि हम आपके अकाउंट को चालू नहीं कर रहे हैं। तो यहां पर होता क्यों है ये ऐसा, गाइस होता क्या है कि हमारे अकाउंट की जब बहुत ज़्यादा रिपोर्ट हो जाती है तो रिपोर्ट के कारण हमें इस तरह का जो है यहाँ पर ये एरर देखने को मिलता है और हमारे अकाउंट को जो है डीएक्टिवेट कर दिया जाता है। तो उसमें जो है इंस्टाग्राम हमसे हमारी जो है इन्फॉर्मेशन मांगता है, अगर हम सही से इन्फॉर्मेशन यहाँ पर फिल कर देते हैं तो हमारा अकाउंट चालू हो जाता है, वरना अकाउंट जो है हमारा चालू नहीं होता है। तो अब आप जो है जो तरीका बताया गया है उसको फॉलो करें और आपका अकाउंट जो है यहीं से चालू होगा, और अगर उनको ऐसा लगता है कि अकाउंट में कोई प्रॉब्लम है तो फिर वो चालू नहीं करेंगे। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।